ओम शांति, ओम शांति। दूर वाले सभी आगे वाले मिलकर के बोलो ओम शांति। देखो लगता है अभी सभी ने बोला। ओम शांति बोलो। नहीं नहीं मैं आपने बोला पर मैं कहती हूँ ओम शांति बोलो तो क्या होता है, क्या होता है? आगे से ओम कहते थे, अभी ओम के साथ शांति बोलते हैं ना, तो शांति पहले फिर ओम निकलता है। जैसे कल बाबा ने कहा साधन सारे विश्व को अच्छी सेवा दे रहे हैं, साइंस की कमाल है। आज कितने ही मिलाए होंगे बाबा को देखा, कितने ही बहुत अच्छा अनुभव किया तुमने, बाबा को प्यार किया, बाबा ने तुमको प्यार किया वो भी देखा। छिपता कुछ नहीं है अभी तो। पर साधना में कुछ करना नहीं है, ये सब काम हो रहा है। साधना सब कुछ कर रही है, वो साधन कर रहे हैं, साधना कुछ नहीं कर रही है। साइलेंस, साइंस, साइंस है प्रकृति का, प्रकृति तमो प्रधान पच चुकी है, उसको हम साइलेंस से सत्तो प्रधान बना रहे हैं। ये साइंस यानी 100 साल पहले नहीं थी, मैं 50 साल पहले भी इतनी नहीं थी। हम तो बचपन में नहीं देखी कुछ, बिजली नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। निमा शाम के टाइम पर लालटेन जलाते थे, बहुत अभी तो एक तरह कहते तमो प्रधान बनी है, दूसरे तरफ प्रकृति ने बड़ा जलवा दिखाया है। प्लेन में चढ़े हैं, वंडरफुल, प्लेन नहीं था। और मुझे पता है पुराने समय स्टीमर में आते जाते थे विदेश से। हम भी कराची से स्टीमर में आए, कराची से स्टीमर में आए, तो ख्याल भी नहीं कोई प्लेन में जा सकते हैं। अभी बाबा हमारी बुद्धि को प्लेन बना रहा है, प्लेन। मेहनत नहीं करो, आदत पड़ी हुई है हमारी, न तो कम सोचना पर नहीं सोचना जरूरत तो नहीं है। सब सहज योग हो रहा है,
योग भी सहज हो रहा है। अगर योग की थोड़ी मेहनत करते थे ऐसे है ना, सभी हाथ उठाओ जो मेहनत कर नहीं करते हैं योग के लिए, हाथ उठाओ, थोड़े उठा रहे हैं। मेरी बात समझी, आगे बहुत मेहनत का भी तो संयोग बहुत अच्छा मिलता है, तो योग सहज हो गया है। आगे तो ये काम मेरे को करना है, ये करना है, ये करना है, आत्म आज का क्लास करके भेजना बहन को, बड़ा सहज हो गया है, टेंशन ही नहीं है। तो संयोग देना, संयोग लेना, तो सहज योग है। ऐसे नहीं ले संयोग हम दे रहे हैं, संयोगी रहना शोभता है। अच्छा लगता है, कोई संयोग संयोग कहां से मिलता है ना, तो थैंक्स मुख से नहीं बोलते हैं। पर ये बाबा ने कल मेरा बहुत अच्छा शब्द बोला, भाग्य और भगवान, भाग्य भगवान, हम क्या कर रहे हैं, विजय क्या कर रही है, ऐसे बैठो ना। सहयोग माना क्या है, ऐसे तो ही बैठना, नो नो सीधा एकदम। आप कहेंगे सबको नाम से क्लास में बोला बोल देती है, मैं क्या करूं, क्या कर, प्यार है ना मेरा, शाम को कल बाबा ने वंडरफुल कितना बाहर में कॉन्फ्रेंस हॉल में या प्रकाश स्तंभ या कितने लोग मेरे, तो शांति 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 शांति, खुशी 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 पे बाबा ने शांति कम बोला, मैं शांति बोलती हूँ, बाबा ने शांति कम बोला, बोला शांति, खुशी 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 चमकते हैं खुशी में, अंदर में शांति है तो खुशी में चमक रहे हैं। गरीबी अशांति नहीं है, शांति की शक्ति मिजाज खुश मिजाज बना देती है, खुश मिजाज तो खुशी की खुराक भी मिली है, खजाना भी है। मनुष्य को खुशी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किसको, खुद को खुश रखने के लिए और खुश करने के लिए, सारी जीवन और खुश रहे, मैं खुश रहूं, कितनी मेहनत, हदे कितनी मेहनत की, तो अनुभव है ना, बहन का अनुभव है ना, और का अनुभव है ना, अपना भी तो अनुभव है ना, मैं खुश रहूं, सब खुश रहे, कितनी मेहनत है, अभी कोई मेहनत है। सुंदरलाल कहाँ बैठा है, बैठा है ना, बैठा था ना, नहीं बैठा है अभी, सुंदरलाल भाई बैठा है ना, ये पुराने पुराने हमारे भाई है ना, पुराने भाई, सदा खुश रहा है ना, सदा खुश रहा है ना, आपको खुश करने के लिए मेहनत थोड़ी करनी पड़ी है। कभी कभी मुझे पूछना नहीं पड़ा है, खुश हो, नहीं पड़ा है, सदा ही खुश है, वंडरफुल। खुश रहना माना
मना अंतर्मुखी रहना, बाहर मुक्ता मैं थोड़ा गहराई में जा रही हूं, जो कभी खुश नहीं होती उसके कारण क्या है। बाहर मुक्ता एकदम बाहर मुक्ता खुशी छीन लेती है। कर्म इंद्रियां चंचल हो जाती है, भक्ति में बाबा भक्ति मार्ग की बातें करते हैं तो मुझे भक्ति भी याद आती है। कर्मेंद्रिया चंचल न हो, बहुत मेहनत करते थे, कर्मेंद्रिया आर्डर में है। हाथ पांव दो हाथ है, लोभवश कभी गलतियां कर किए होंगी किसने, मोहवश क्रोधवश मैंने ऐसे गुस्सा नहीं किया था, पर बात ऐसी होती है तो क्या कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा है कब कब छोड़ दो, कोई भी बात नहीं, बात कोई हो है। तो अंतर्मुखता में बुद्धि मन कर्म इंद्रियों को आर्डर में रख, सूक्ष्म संस्कार स्वभाव पुराना कुछ न रहे, तो जीत में खुशी है। विक्रमा जीत बनने में खुशी है, कभी थोड़ी थोड़ी भी हार है ना खुशी गुम हो जाती। तो जब बाबा मुरलीगर सुन रही थी इतनी खुशी पर बाबा ने सभी हम हाथ उठा देते, बाबा हाथ उठवाता है ना, कभी दो हाथ उठवाता है, कभी एक हाथ उठवाता है। मैं खुश हूं, बाबा कहते मैं बच्चों से खुश हूं, मेरे से पूछे मैं कहूँ बाबा आप खुश रहो, खुश हूँ कह करके बस हमको खुश कर देते हो। फिर बड़ी युक्ति से बड़ी विधि से कहा कभी कभी शब्द नहीं बोलो, फिर शिक्षा जो दी ना तो होली में सौगात जे दे दो, कभी कभी कुछ होता है। हाँ। तो कौन है जो कभी कभी कुछ होता है उसके सिवाय चल पर रहा है। अभी हाथ उठाओ, कभी कभी थोड़ा थोड़ा जो बोला थोड़ा तो क्या हुआ। सच्चाई से अंदर साफ रखने से खुशी होती है। भगवान ने खुशी दी है, भाग्य और भगवान बस। मुझे याद नहीं है बाबा ने कल बोला 10 बातें जो आप लोगों के पास है ना, याद आता तुमको
याद मुझे बताना, या राजू से पूछ, 10 बातें बाबा ने कल याद दिलाई, नहीं तो कोई भी मुझे बतावे, लिखकर कल बतावे, राजू को कहना, राजू को वो 10 बातें कभी न भूले। कल मुरली को अगर रिवाइज करते हैं ना सारा अंदर में, भाग्य और भगवान तो नंबर 1 है, पहला तो ये है। दूसरा बाबा ड्रामा, तीसरा नहीं अभी मैं इन बात में नहीं जाती हूँ, ये एक्यूरेट, आप मेरे से होशियार है, होशियार माना प्रैक्टिकल अनुभव है। तो होशियार शब्द भी मैं यूज नहीं करती हूँ, माना अनुभवी भी, त्याग तपस्या और सेवा, अनुभव है त्याग। देश है तेविस ये सब कनेक्शन में जो बातें त्याग चेकिंग है, वही बहुत गहराई में चेकिंग करना, मुझे चेंज होना है ना। कोई डिफेक्ट न रहे, परफेक्ट बनना है ना, कोई डिफेक्ट रह न जावे, थोड़ा भी डिफेक्ट रह गया तो बाबा के दिल में नहीं बैठ सकेंगे। बाबा ने दिल इतनी बड़ी रखी है, कुछ भी चाहिए ना बाबा के दिल में चले जाओ, दिल आराम की दिल है, बाबा की दिल है। दो दो शब्द में बाबा की दिल है। कैसी है, कितनी लाखों करोड़ों बातें बाबा के सामने है, दुनिया भर संभालता है। बाबा जैसी दिल बनानी हो तो समाने की, समेटने की, डिटेल में जाओ ही नहीं ना, समेट बात हुई समेट लो ना, हो ही नहीं, समाने की, समेटने की, संतुष्ट रहने की, वंडरफुल, कोई कमी नहीं है। मैं संतुष्ट हूँ, ऐसे नहीं कहते, ऊपर से नहीं कहते, अंदर से कहते संतुष्ट हूँ, सब देख रहे संतुष्ट है, वंडर सदा संतुष्ट है। तो आईने में अपन को देखे, संतुष्ट हूं, समेटने सम्मान की शक्ति ने, संतुष्ट रहने का, सदा संतुष्ट रहने का वरदान बाबा ने दिया है, सदा संतुष्ट रहने का मेरे बाबा ने वरदान दिया है, है? जिसको ये फीलिंग है, सदा संतुष्ट रहने का वरदान मिला हुआ है, हाथ उठाओ, हाथ अच्छा उठा रहे पर संभाल मत आना। सदा संतुष्ट रहने का जब से बाबा की बनी हूँ ये वरदान है, सदा संतुष्ट। जो बाबा ने कहा सदा शब्द सदा रखो,
ये भी साकार में बाबा भी कहता था, कभी कभी नहीं बोलो सद्दाम, कोई जब अभी हम को कई लोग मिलने आते हैं ना, थोड़ी आशीर्वाद करो ना, मुझे हंसी आती है, आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलती है। आशीर्वाद पहले ऐसे मिलती है, अच्छा करो हो जाएगा, बड़े ऐसे आशीर्वाद सिर पर रखते हैं आशीर्वाद, पर दुआ जो अच्छा बन जाते हैं उसको दुआ मिलती है, मांगने से नहीं। सबके दिलदार दुआ दिल से निकलती है, हाथ से नहीं, आशीर्वाद आती दुआ दिल से, ठीक है। जब दुआ शब्द है तो बाबा के दिल से दुआएं की ताकत, दुआओं की ताकत चला रही है। ले लो दुआएं माँ बाप की गठरी तेरे पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की गठरी उतरे पाप की, वैसे नहीं उतरेंगी ना, इतनी दुआएं हैं, कितने भूल चुकी हूँ, कितने पाप की, सारे पापों की गठरी दुआओं से, बाबा एक तो दुआएं से पाप की गठरी गई, फिर बाबा का प्यार शक्ति से श्रेष्ठ कर्म करने का उमंग उत्साह कभी कम नहीं होता। कोई भी कारण से कई भाई बहनों के अंदर से भाई मुझे उमंग उत्साह अभी नहीं है, पहले था, पहले था, अभी कम है, कारण से उमंग उत्साह कम हो गया, क्या लूंगा माना, फिर क्या होगा, जो दुआओं से पाप खत्म हुए थे ना वो फिर से, वो लिंक चाहिए, पास्ट को पास्ट कर देंगे, पास्ट पास्ट ना, फिर से अगर पास्ट का थोड़ा निकल आया तो प्रेजेंट में भारीपन होगा। तो कोई जब मेरे से पश्चिम रुआरियान करते हैं ना तो अच्छा निकलवाता, कोई कोई जो मैं फिर क्लास भी शाम का क्लास में कैसे भी करके खींच से आती हूँ, जो बाबा ने दिया है ना दुआओं की जो शक्ति है, पाप कटरी खलास, एक पाप खलास करने की शक्ति, दूसरा अपना साथी बना करके, बाबा मेरा कंपेनियन है, वो फीलिंग सदा खाली और अकेला नहीं महसूस करेंगे,
कोई भी घड़ी ऐसी ना आए जो मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। मेरे पास ये नहीं है, इनके पास है, मेरे पास नहीं है। ये थोड़ा भी संकल्प आया तो निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि विजयंती कहाँ? उमंग गुस्सा कम हुआ, कारण है निश्चय बुद्धि से जो विजयंती बनने का लिंक चल रही थी, लिंक टूट गई। प्लीज कभी भी कोई भी कारण से उमंग उत्साह कम न हो, उमंग उत्साह चलता रहे। जब भाग्य भगवान कहते हैं तो एक तो भगवान का साथ है, सेवा भाग्य है। भगवान का साथ के बगैर सेवा नहीं है। सेवा कितना सुख दिया है, सेवाएं का फल। हमने क्या सेवा की है? कुछ नहीं। इतनी की है, इतनी 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 बाबा ने कितनी की है, इतनी 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 बाबा ने कितनी सेवा की है, अनेकों से कराई है। बूंद बूंद से तला हो गया है, बाबा ने इतनी सेवा की है। तो अभिमान भी न आए कभी मैंने की है, निराशाई भी न आवे मैंने मेरे सेवा का कदर नहीं है। ये ऐसे ऐसे शब्द अपने आप में पैदा करके निराश हो जाते हैं। निराशाई बड़ी नुकसानकारक है। एकदम समझो अपने आप को कोई और नहीं कहता है, जो वरदान दुआएं मिल रही थी उसके बदले अपने आप को आप ही श्रापित करते हैं। और उमंग गुस्सा के बिगर तो तभी बाबा के पंछी और परदेसी दोनों नहीं किसी के मीत, पंछी और परदेसी। उमंग गुस्सा के पंख कभी भी साखियों का देखो, पंछियों को कहाँ बेचारे बैठेंगे, सेकंड फिर उठ के उड़ेंगे, थोड़ा बैठेंगे फिर उड़ेंगे। तो उड़ती कला बाबा ने दी है संपन्न बनने के लिए, तभी 16 कला बनेंगे। पहले संपन्न बनने कोई कमी ना हो, फिर उड़ती कला ऑटोमेटिक संपूर्ण बनने रहे है। अभी अभी ख्याल आया, ये तुलसी सदैं हंसता है, तुम आओ तुरंत बहुत सुना। ये तुलसी को तो मैं कब से जानती हूँ, मुझे पता है, पर सदा ही देखती हूँ। ये सीट भी इसकी फिक्स है, कभी इसको एब्सेंट नहीं देखा, अपसेट नहीं देखा है, एब्सेंट भी नहीं देखा, अपसेट भी नहीं देखा है ना, ऐसे है ना। अच्छा हो तो रमेश को बुलाएंगी, दो भाई मेरे को सुनने का देना। अच्छा वंडरफुल, अटेंशन इतना देता है।
तुमको सब जानती है ना, बैठ। ओम शांति। ओम शांति। कयों का नाम नहीं आता, तेरा नाम मुझे भूलता नहीं है। ये मेरा भाग्य है, दादी जी कह रहे हैं कि कईयों के नाम याद नहीं आते लेकिन मेरा नाम उनको भूलता नहीं है। जब से ब्राह्मण जीवन में आए हैं ये भाग्य है कि दादियों की, बाप दादा की तो पालना मिल ही रही है लेकिन साथ साथ दादियों की भी पालना मिल रही है और ड्रामानुसार सेवाएं भी वो मिली हैं जिसमें ऑटोमेटिकली ज्ञान योग का कनेक्शन बना हुआ है। तो टाइम निकाल के पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है या क्लास में आने के लिए समय निकालना नहीं पड़ता है लेकिन क्लास में रहना ही हमारी सेवा है। तो बहुत सारा उस कारण से भी डबल फायदा मिलता है क्योंकि आँखों में दादियाँ दिखती हैं, ब्राह्मण परिवार दिखता है, कानों में बाबा के महावाक्य, दादियों के क्लासेस जाते हैं और खाने को ब्रह्मा भोजन मिलता है। जितने भी रस हैं वो सब पॉजिटिव मिल रहे हैं मुझे। तो इतना भाग्य हो तो क्यों नहीं मुस्कराना सहज हो जाता है। अतिंद्र सुख पूछना तो हमसे पूछो, ये मेरा भाग्य है। फिर से बोलो। अतिंद्र सुख पूछना हो तो मेरे से पूछो। तो दूसरा इतना ध्यान रहता है, अगर सुख तो हमेशा मिल रहा है, मुस्कान हमेशा बनी रहती है, अगर मुस्कान कोई कम होती है तो अगर चेक करता हूँ तो जो दादी जी के महावाक्य हमेशा अपने क्लासेस में दादी बोलते हैं कि थोड़ा सा अभी इधर उधर देखेंगे तो शायद मुस्कान कम होती होगी। तो इसलिए इधर उधर देखने की जो आदत है शायद मेरे में बहुत कम है कंपेरेटिव, तो इसलिए मैं हमेशा मुस्का सकता हूँ। ओम शांति। जी दादी, इस स्थूल शरीर से भी अगर मैं कहूँ, दादी जी याद करा रहे हैं तो 1986 में ओम शांति भवन में सेवाएं करते करते सेवा करते करते मैं ओम शांति भवन के जो सीलिंग है उससे गिर गया था। तो फ्रैक्चर था, बहुत बड़ा फ्रैक्चर हुआ, लेकिन उस समय भी बाबा ने महसूस कराया, जैसे कंफर्म हुआ कि मैं गिर रहा हूँ, गिर तो गया जैसे कि, लेकिन बाबा ने हाथ ऐसे करके महसूस कराया कि बाबा ने जैसे कैच किया हो। तो उस समय जब मैं हॉल में गिर गया था कुर्सी के ऊपर, तो मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं गिर गया हूँ या मेरा कुछ इतना बड़ा फ्रैक्चर हुआ होगा, क्योंकि उस समय कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। बाबा ने फील कराया कि बाबा ने अपने बाहों में ले लिया है। तो बाद में एक्सरे किया, निकला तो बहुत बड़ा फ्रैक्चर हुआ था और डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के समय भी बहुत अच्छे अनुभव मुझे तो हुए ही लेकिन डॉक्टर्स को भी हुए थे। और बाद में डॉक्टर ने कहा, तुलसी यू आर ब्रेव, तो मैं आपको बता दूं कि तुम जीवन भर नॉर्मल नहीं चल सकोगे, या तो व्हील चेयर पर चलोगे या तो क्रेचिस पे। लेकिन हिम्मत भी बाबा ने, निश्चिंत था मैं जब दादी जी आज कह रहे थे निश्चय बुद्धि विजयी, और देखा था कैसे गिरा। आज वो दिन है कि किसी को पता भी नहीं चलता मेरे चलने से कि मैं इतना बड़ा फ्रैक्चर पास किया हुआ होगा। तो ये बाबा की मदद और जो दादी जी आज सुना रहे थे दुआओं की मदद, बाबा की मदद तो है लेकिन जो दुआएं हैं वो भी साथ में हैं, बड़ों की, हमारे साथियों की, सेवाओं की। बैठा रहो, जो करना।